स्वागत करता हूं दोस्तों एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टीवी चैनल को लेके जो कि एक जीएससी कैटेगरी का चैनल रहने वाला है। जी हां, एक नया जीएससी चैनल आप सभी को बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। और इस चैनल का नाम क्या रहेगा, कौन सी भाषा का ये जीएससी चैनल रहेगा और आपको सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स पर कब से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, देंगे आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से। लेकिन फैंस, इस जानकारी को देने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले सबसे पहले। और फैंस, हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल वहां पर रेडिश 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों आईडी को भी फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की ओर और बात करते हैं एक नए टीवी चैनल को लेके जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से लाइसेंस मिल चुका है और ये चैनल बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और अगर सिंगल कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक तमिल जीएससी कैटेगरी का चैनल रहने वाला है। और अगर चैनल के नाम की बात करें तो फ्रेंड्स, इस चैनल का नाम रहेगा ब्यूरो टीवी। जी हाँ, ब्यूरो टीवी आपको 14 अप्रैल 2025 से सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स पर देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, ब्यूरो टीवी की लॉन्चिंग डेट ब्रॉडकास्टर की ओर से क्लियर कर दी गई है जो कि 14 अप्रैल 2025 रखी गई है। और ये चैनल आपको 14 अप्रैल 2025 से आप सबको सबसे पहले प्रीसेट 10 पर देखने के लिए मिलने वाला है जो कि एक सी बैंड की सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट पर ही इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक टीवी चैनल से जुड़ी जानकारी जो कि आज इस वीडियो में हमने आप सभी को दी। आप सबको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि क्या आप तमिल जीएससी चैनल देखना पसंद करते हैं या नहीं। आप अपने राय जरूर दें और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।